तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो है वो काफी कमाल के रहने वाली है, क्योंकि आज हम दोस्तों बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। क्योंकि बेसिकली यार नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे श्री लगाना चाहिए नाम के आगे। अब बेसिकली दोस्तों बात यह है कि उन्होंने बताया कि आपको इस ऐप को डाउनलोड तो करना है, क्या इसके यूजेस हैं, कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन इसमें भरनी है और कैसे आप इसका अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो, तो सब कुछ एक ही वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। दो पार्ट दोस्तों मैं वीडियो को लेकर आऊँगा, पहला पार्ट आप देख रहे हो, दूसरे में दोस्तों जो आपके क्वेश्चन होंगे यानी कि FAQ फ्रीक्वेंटली जो आस्क क्वेश्चंस होंगे उनको मैं दोस्तों यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि भाई हमारा फर्ज है, क्योंकि टेक चैनल बेसिकली ये है, तो ये चीज़ें और अगर प्रधानमंत्री जी बोल दे तो भाई इसको कवर करना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी आपके पास हो, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और ज़्यादा ही अच्छा लग जाए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन को दबा सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलते हैं दोस्तों फाइनली अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर। एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई सा भी फोन हो, चाहे उसमें 1 GB रैम हो, 2 GB, सभी में दोस्तों ये ऐप आपका चल जाएगा। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है यहाँ पर आरोग्य सेतु। जैसे ही आप सर्च करोगे तो ऊपर ऊपर दोस्तों जो आपको ऐप देखने को मिलेगा, आपको वही वाला ऐप इंस्टॉल करना है, वही दोस्तों जेन्युइन है। आप इसके डाउनलोड देख लेना, 10 मिलियन से ज़्यादा आपको डाउनलोड इसके देखने को मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है ताकि मैं आपको लाइव डेमो दिखा सकूं। मैंने बिल्कुल भी दोस्तों इसको अभी ओपन कर देखा नहीं है। एक चीज़ दोस्तों क्लियर कर दूं, जैसे आपको नीचे बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे, ये सारे फेक हैं, आपको इनको इंस्टॉल नहीं करना है दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों आप ये ऐप ओपन करोगे तो आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, बहुत सारी लैंग्वेज है दोस्तों उसका सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर फिलहाल डिफॉल्ट पर इंग्लिश को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो आपको यहाँ पर लिख रहा होगा कि आपको जो इस कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए आप क्या हमारे साथ हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक सी नॉलेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों बेसिकली ये ऐप आपको अलर्ट देने के लिए, अगर आप कोरोना पेशेंट के आसपास हैं तो आपको पता चल जाएगा कैसे, वो मैं आपको इस पूरी वीडियो में क्लियर करूंगा। लेकिन उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप कोई सी भी लैंग्वेज को किसी भी समय चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर आपको दोस्तों दिख रहा होगा, तो इस पर दोस्तों आप क्लिक कर ये सारी लैंग्वेज मैं आपको चेक कर दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से लैंग्वेज में किस तरह इंटरफेस आता है। फाइनली हम डिफॉल्ट पर कर लेते हैं हिंदी को, ताकि सभी लोग इस वीडियो को समझ सके। तो यहाँ पर दोस्तों एक खास चीज़ है, आपको इस ऐप का अच्छी तरह यूज़ करने के लिए ब्लूटूथ और अपने GPS को ऑन करना पड़ेगा। अब वो आप कैसे करते हो तो वो मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने ऊपर जाकर नोटिफिकेशन पैनल पर ब्लूटूथ और GPS को ऑन कर सकते हो, ताकि आपको अच्छी जानकारी और इस ऐप से संबंधित मिल सके। अब दोस्तों GPS और ब्लूटूथ को ऑन करने पर जो भी आपका डाटा है दोस्तों, वो भारत सरकार आप बोल रही है कि यहाँ पर बिल्कुल भारत सरकार के हाथ में, यानी कि बिल्कुल आपका डाटा सेफ होने वाला है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों डाटा कहीं आपका चोरी हो जाए, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इसके बारे में दोस्तों मैं आपके फ्रीक्वेंटली आज जो क्वेश्चन होंगे उसमें सारी चीज़ें और क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी लैंग्वेज को दोबारा चेंज कर सकते हो इस समय पर, जब आपको दिक्कत अगर आ रही हो, अगर आप किसी लैंग्वेज से कंफर्टेबल नहीं हो तो यहाँ पर दोस्तों आप चेंज कर सकते हो। तो आप इंग्लिश कर लेना, हिंदी कर लेना, या जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो भी आप सपोर्ट आराम से कर सकते हो किसी भी समय। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ये आपकी परमिशन मांगते हैं डिवाइस की लोकेशन की। इसके बाद दोस्तों बेसिक सी चीज़ आएगी, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है। अब ये मोबाइल नंबर दोस्तों आपके पर्सनली, अगर इस फोन में सिम लग रही हो तो आप उसका डाल सकते हो, या किसी भी चालू फोन का जो आपके घर में हो उसका भी आप दोस्तों डाल सकते हो। बेसिकली डालने के बाद आपको एक OTP यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि यार आपका पासवर्ड होने वाला है इस ऐप का। जैसे ही आप उसको डाल लोगे तो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आने वाली हैं। जैसे कि दोस्तों आप अपने यहाँ पर जेंडर को भर सकते हो, आप अपना नाम भर सकते हो, आप अपनी एज भर सकते हो, आप क्या काम करते हो वो आपको भरनी है। और इसके अलावा दोस्तों क्या आपने 30 दिनों के अंदर कोई विदेश यात्रा की है, तो ये भी दोस्तों आपको सही सही आप इस ऐप में बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप पैंडेमिक के समय अगर आपको सरकार की ज़रूरत हो तो सरकार की आपकी मदद ले सकती है, इसके बारे में आप भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें और ही हैं, जैसे कि अगर आप इस चीज़ की संबंधित पुष्टि करते हो तो इस पर आप क्लिक कर हाँ कर सकते हो। इससे दोस्तों जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्टर हो जाएगी। अब इस ऐप का दोस्तों जब भी फायदा है, जब आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल सही सही भरो। अगर आप दोस्तों गलत भरोगे तो यहाँ पर दोस्तों इस ऐप का कोई भी यूज़ नहीं है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है।
अब जैसे ही दोस्तों आप यस कर इस सारी इन्फॉर्मेशन की पुष्टि कर दोगे, इसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली ये है कि 20 सेकंड का आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। अब आप इसको बाद में दोस्तों मत करना, आप इसको हाँ ही करना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से इसका यूज़ कर पाओ। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको कहीं इनमें से कोई लक्षण तो नहीं है, जैसे खांसी बुखार है, अगर नहीं है तो आप मना कर दें। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि आपके कोई डायबिटीज़ या हार्ट की बीमारी है, तो वो भी आप भर सकते हो। इसके अलावा 14 दिन में आपने कोई विदेश यात्रा की है, हाँ की है तो आप हाँ भर देना, नहीं तो आप नहीं भर देना। इसके अलावा जो सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिक सी, वो आप भर देना और इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देना। इसके बाद ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी कि आपको कितने परसेंट खतरा है कोरोना के वायरस का। इसके अलावा जब ओके करोगे तब दोस्तों आपको दिखा देगा, अगर आप सेफ हो तो आपको यहाँ पर दिखाएगा यू आर सेफ, अगर आप थोड़ी से खतरे की स्थिति में हो, यानी कि हॉट स्पॉट वाली जगह पर हो, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ये दिखा देगा। अब बेसिकली ये आपकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही काम करता है। कैसे काम करता है ये दोस्तों, आप पीएम केयर्स का फंड है दोस्तों, यहाँ पर आप जाकर डोनेट भी कर सकते हो। अब दोस्तों बेसिकली ये काम कर रहा है, जैसे कि अब कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस आता है तो उन सभी का डाटा है दोस्तों, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में रजिस्टर होता है। अब बेसिकली अगर आप उस एरिया के आसपास होंगे, अगर आपने ब्लूटूथ जीपीएस ऑन कर रखा है, इन्फॉर्मेशन सही है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अलर्ट भेज दिए जाएंगे। अब बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है ये आपको अलर्ट भेजने के लिए ही है। अब इसका दोस्तों जब भी आप अच्छी तरह फ़ायदा ले सकते हो, जब ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप का इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सही इन्फॉर्मेशन भरें। इससे दोस्तों 2-3 फायदे होंगे, अगर आप किसी व्यक्ति के पास होंगे जिन्हें कोरोना का थोड़ा खतरा है, तो आपको अलर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो बेसिकली यही इस एप्लीकेशन के जरिए आपको चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको स्कैन कर अपने आप पर चेक कर सको कि आपको कोरोना है नहीं है। तो ये सारे मिथ है दोस्तों, इनको मैं क्लियर करने वाला हूँ अगली जो वीडियो में, उसको आप देखना यार मत भूलिए। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं हाथ के आगे दोस्तों उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा शाम तक। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर लगाता हूँ, तब तक जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स में और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि सभी लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर सकें, अपनी इन्फॉर्मेशन भरें, ताकि यार सभी लोग यहाँ पर सेफ रहें। तो इसमें इतना ही, वीडियो आपसे फिर लगा, तब तक ले जाए जय भारत।